तो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है यार जल लाइफस्टाइल के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को मेरा कुछ ओपिनियन बताने वाला हूँ जल लाइफस्टाइल के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, जिससे दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम चल सके जल लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अभी जैसा कि दोस्तों जल लाइफस्टाइल ने अपने गिफ्ट दे रहा है, जल लाइफस्टाइल नहीं सॉरी ईहा अपने गिफ्ट दे रहा है। और दोस्तों ईहा क्या कर रहा है, जितने लोगों ने केवाईसी कर रखा है उनको तीन तीन रेफरल दे रहा है, ठीक है, तीन तीन स्पॉन्सरशिप खुद दे रहा है। और बाकी दोस्तों जिन लोगों ने अपना केवाईसी नहीं कराया है, मतलब जो फ्री ज्वाइनिंग है, ठीक है, तो ईहा उन सभी लोगों को एक एक ज्वाइनिंग दे रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सब लोग एक बार ये चीज़ सोचो कि जो ईहा है वो जा लाइफस्टाइल के सभी मेंबर को इतने सारे रेफरल कैसे देगा। अगर आप खुद देखो, अगर 3 मिलियन लोग को, ठीक है, अगर तीन तीन लोग देता है तो कितना सारा लोग हो जाता है। अभी आप और एक चीज़ सोचो कि अगर ईहा खुद इतने सारे लोग सभी लोगों को दे सकता, ठीक है, तो उसने पहले ये टारगेट क्यों दिया कि आप पहले यहाँ पे 1.5 मिलियन का टारगेट कंप्लीट करो। ठीक है, ईहा के पास अगर इतने सारे लोग थे तो ईहा तो भाई खुद अपने इतने सारे लोग ला सकता था। मतलब अगर आप देखो तो 9 मिलियन लोग सिर्फ जिन्होंने केवाईसी कर रखा है उनको देने वाला है ईहा। और बाकी दोस्तों जिन लोगों ने फ्री में रजिस्ट्रेशन किया है वो तो कितने सारे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं वहां पे भी लगभग 8-9 मिलियन हो चुके होंगे जिन्होंने फ्री रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप खुद एक चीज़ समझो कि फ्री रजिस्ट्रेशन के 9 मिलियन के 9 मिलियन को अगर वो एक एक बंदा देता है तो यहाँ पे हो गए 9 मिलियन, वहाँ पे 9 हो गए 9 मिलियन, तो मिला के पूरा 18 मिलियन। आप खुद से एक बार ये बात सोचो कि यार कंपनी 18 मिलियन लोग कहाँ से देगी। और अभी अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो देखो, कंपनी में वापस आपको बता रहा हूँ कि कंपनी लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेल रही है, ठीक है। पहले कंपनी ने बोला कि आप यहाँ पे 1,000 रुपये में एंट्री लो, आपको महीने के 7,000 मिलेंगे और कंपनी अभी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कंपनी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने टारगेट दिया 3 मिलियन कंप्लीट करो, हम सब ने 3 मिलियन भी कंप्लीट किया, लेकिन दोस्तों कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ। और अभी दोस्तों कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने और नए नए एक्साइटेड गिफ्ट निकाल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी और अट्रैक्ट हो, ठीक है, और कंपनी ज़्यादा और लंबा तक लोगों के साथ ऐसा करता रहे और लोगों से पैसा लेता रहे। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब देखो दोस्तों, जैसे कि ईहा ने बोला है कि वो इतने सारे लोगों को इतना सारा स्पॉन्सरशिप देने वाला है, ठीक है, तो अभी दोस्तों नेक्स्ट क्या होने वाला है ना कि कंपनी दोस्तों अपना जो न्यूज़लेटर है उसमें ये बोलेगी कि हम तो अभी स्टार्ट हो जाने वाले थे, लेकिन जैसा कि ईहा ने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया कि वो इतने इतने स्पॉन्सरशिप देने वाला है, तो उसमें अभी उतने सारे लोग नहीं हुए जिसकी वजह से हम आपको दिए, इसीलिए हम इस प्रोग्राम को और थोड़ा डिले कर रहे हैं, और इसको डिले कर रहे हैं तो इसीलिए हम आपको और थोड़ा ज़्यादा शेयर दे देंगे। तो समझ रहे हो, मतलब कंपनी दोस्तों सिर्फ टाइम बढ़ा रही है, वो लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर कंपनी इतनी जेन्युइन होती, मैं आपको सीधा एक बात बोल रहा हूँ कि भाई हमको रेफरल नहीं चाहिए, जितने भी लोग हैं, ठीक है, किसी को रेफरल नहीं चाहिए भाई। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंपनी स्टार्ट हो, जो उन्होंने पैसे कमाए वो कमाए। भाई यहाँ पे रेफरल की क्या बात कर रहे हो आप, फ्री रेफरल दे रहे हो। अगर ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है ना तो भाई लोग खुद से यहाँ पे ज्वाइन होंगे, 1,000 क्या लोग 2,000 का भी KYC कर देंगे अगर ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन और स्टार्ट अगर हो गया तो। तो आप खुद देखो यार, पहले कंपनी ने क्या बोला कि हम यहाँ पे आपको 3 मिलियन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टर ने पूरा 3 मिलियन KYC खरीद लिया है और अब ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो फिर क्या कंपनी स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर क्या 3 मिलियन कंपनी ने कराया, इन्वेस्टर ने भाई आज तक पैसे नहीं दिए। आप खुद एक बार समझ लो, इन्वेस्टर ने आज तक पैसे नहीं दिए। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बस बात बोलती है लेकिन कुछ होता ही नहीं है। और अभी भी कंपनी सिर्फ आप लोगों को दावा कर रही है। तो मैं आप लोगों को और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ यार, देखो आप जा लाइफस्टाइल का जो भी वेबसाइट है, जो भी चीज़ है, ठीक है, आप इस महीने तक वेट करो, ठीक है। जुलाई को दोस्तों अगर इनका रियल एड स्टार्ट नहीं होता है तो आप अगस्त से जा लाइफस्टाइल का एक भी एड मत देखो, उनका वेबसाइट में क्लिक भी मत करो। क्योंकि अगर हम यहाँ में भी जाए, अगर हम जा लाइफस्टाइल का भी वेबसाइट यूज़ करें तो दोस्तों उसके जा लाइफस्टाइल को पैसे मिल रहे हैं, ये बात आप याद रखो। तो कंपनी चाहती तो कंपनी अभी भाग सकती थी,
ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं कंपनी तो नहीं भागेगी, तो दोस्तों अभी कंपनी इसीलिए नहीं भाग रही है क्योंकि उसको जल लाइफस्टाइल के वेबसाइट और इहा से इतना सारा पैसा मिल रहा है ना, अराउंड 2 लाख तो वो लोग मिनिमम कमा रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट से, वो भी रोज के। तो आप खुद एक चीज समझो, अगर आप उस जगह में होते, आपको 2 लाख रुपए रोज के मिल रहे होते, तो क्या आप खुद कभी चाहते कि यार अभी बंद हो जाए? आपको तो मजा आ रहा होता, आप तो सोचते कि यार और थोड़े दिन इनके साथ ऐसा कर लूं। सोच लो यार, दिन के 2 लाख महीने के कितने हो जाएंगे, कितने एक साल से भाई कमा रहे हैं, अभी आप खुद सोच लो। कमाने हम आए थे, लेकिन कमारा कौन है? जा लाइफस्टाइल। पैसे किसने दिए? जा लाइफस्टाइल के लोगों ने। लेकिन कमा कौन रहा है? जा लाइफस्टाइल। और हम तो भाई बस बैठे हुए हैं, बस आस लगा के कि भाई आएगा आएगा आएगा। भाई अगर लाना चाहते हो तो जल्दी लाओ ना, इतने सारे लोग, अभी कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग गरीब हो रखे हैं, ठीक है। तो अभी दो ना यार लोगों को पैसा, फिर देखो ना आपका बिजनेस कितना खतरनाक तरीके से आसमान छुएगा। लेकिन आप उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ घुमा रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा यार कि आप सिर्फ इस महीने तक वेट करो, अगर इस महीने को एड नहीं आता है, आप जाला स्टाइल का वेबसाइट और ईहा को यूज़ करना छोड़ दो, जिससे दोस्तों उनका जो इनकम है उसमें फ़र्क पड़ेगा, और फिर हमको वैसे ही पता चल जाएगा कि वो लोग करने क्या वाले हैं। अगर वो लोग रियल एड स्टार्ट करते हैं तो फिर बढ़िया, आप वहाँ पर रोज़ जाओ देखो, लेकिन अगर स्टार्ट नहीं होता है, आप वहाँ पे जाना छोड़ दो, बिल्कुल यूज़ ही मत करो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से बस इतना कुछ बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करो यार, अगर अच्छा नहीं लगा तो मास डिसलाइक करो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।